हेलो गाइस, सुनीत शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटियाँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें मैं 3 कप मक्के का आटा लूँगी। तो 1 कप ये है और 2 कप ये है। अजवाइन लेंगे हम 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हम नमक लेंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने गर्म पानी लिया है गिलास में, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक डो बना लेंगे। मक्के का आटा है तो इसमें आप गर्म पानी ज़रूर यूज कीजिएगा। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बना लिया है। गैस चालू कर लिए हमने, तवा हमारा गर्म हो गया है। तो हाथों में हम पानी लगा करके और इस तरह से हम लोई बनाएंगे। ऐसे इस तरह से हमको अच्छे से सेट करना है ताकि हमारी रोटियां फटे ना। और इस तरह से हमको मक्के की रोटी बनाना है। देखिए इस तरह से मैं सभी बना लूँगी। इसे हम पलट लेंगे। देखिए, मैंने सभी रोटियाँ बना ली है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से हमारी ये रोटियाँ सिक गई हैं। अब इनको हम देखिए, रोटी हमारी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हमारी बढ़िया दोनों तरफ से सिक गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं अपनी बाकी की भी रोटी अच्छी मैंने सभी रोटियां बना ली है। अब इसमें हम बटर लगा लेंगे। सभी रोटियों में हम बटर इस तरह से लगा लेंगे। आप घी भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने सभी रोटियों में बटर लगा लिया है। मैंने प्लेटिंग कर ली है। हमारी मक्के की रोटियां बनके तैयार है, मखाने का रायता, सरसों का साग बटर के साथ और सैलेड। तो प्लीज़ आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मक्के की रोटियां कैसे बनी हैं। तो देखिए, मैंने प्लेटिंग कर ली है। हमारी मक्के की रोटियां बनके तैयार है, मखाने का रायता, सरसों का साग बटर के साथ और सैलेड। तो प्लीज़ आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मक्के की रोटियां कैसे बनी हैं। तो लीजिए गाइस, बनके तैयार है हमारी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारी मक्के की रोटियां। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।